संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है और इसे क्रैक करने के लिए बहुत अधिक आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। आज हम आपको उड़ीसा की सिमी करण के बारे में बताएंगे, जिन्होंने 2019 सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की। सिमी को जब भी समय मिलता वह स्लम इलाकों में बच्चों को पढ़ाया करती थी। इस दौरान वह IIT बॉम्बे में बीटेक की छात्रा थी। जब उसने इन बच्चों की हालत देखी तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने सोचा कि उसे इन बच्चों की मदद करनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज में जाने का फैसला किया। सिमी करण उड़ीसा से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा छत्तीसगढ़ के भिलाई में की है। उनके पिता भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे जबकि उनकी माँ एक शिक्षिका थी। सिमी बचपन से ही एक अच्छी और नेक दिल छात्रा थी। इसके बाद उन्होंने 12वीं कक्षा के बाद इंजीनियरिंग में जाने का फैसला किया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के लिए उन्होंने IIT बॉम्बे में दाखिला लिया, लेकिन इंजीनियर बनने का उनका सपना तब बदल गया जब उन्हें वहां झुग्गी बस्तियों में बच्चों से मिलने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने UPSC की तैयारी करने का फैसला किया। UPSC की तैयारी के लिए सिमी ने UPSC के टॉपर्स का इंटरव्यू बड़ी एकाग्रता से देखा। फिर उसने इंटरनेट पर UPSC के सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ा और उसी के अनुसार किताबें इकट्ठा करना शुरू किया। सीमित संख्या में किताबों के साथ सिमी ने अपनी तैयारी शुरू करने का फैसला किया। साथ ही उसने अपने सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया ताकि वह ठीक से पढ़ाई कर सके। अपना सिलेबस पूरा करने के बाद उसने इसे रिसर्च करना शुरू कर दिया। अंत में वर्ष 2019 में उन्होंने UPSC में ऑल इंडिया रैंक 31 हासिल की और एक IAS अधिकारी बन गई। सिमी के मुताबिक लक्ष्य तय करना बेहद जरूरी है। लक्ष्य तय करने के बाद चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। आपको रणनीति पर ध्यान देने और हर विषय को महत्व देने की जरूरत है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।